एक बार फिर आ चुके हैं हम लोग WWE 2K22 में री मिस्टीरियो का शोकेस लेकर, और ये जो एपिसोड है ये लास्ट एपिसोड होने वाला है जिसमें री मिस्टीरियो वर्सेस ग्रैंड मेटालिक के साथ यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। क्या स्टोरी है वो हम आगे देखने वाले हैं। मैं एक बात और बता दूं भाई, लाइक आप लोग जरूर कर देना यार, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही आपके पैसे लगने वाले हैं। हल्का सा टच करना है स्क्रीन पे, आपके थम्सअप पे, और देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा गेम प्ले भी चालू हो चुका है। री मिस्टीरियो कह रहे थे कि उनको चांस मिला था एक दूसरे लूचा लिब्रे मास्टर के साथ मिलने का जिसका नाम है ग्रैंड मेटालिक। फिर एक बार कंट्रोलर वाला इश्यू आया है, इसका इलाज ये है कि आपको अपने जो कंप्यूटर है, पीसी है, उसके अंदर से आपको अपना कंट्रोलर का जो कनेक्टर होता है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अचीवमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट कॉम्बोज ट्राई करना है हमें, लाइट कॉम्बोज मतलब जे और जे, तो ये हो गया पूरा। ग्रैब कॉम्बो करना है हमें, ग्रैब कॉम्बो मतलब एल से होता है, तो हमें ऐसी कोई मूव करनी है जिसका एंड एल से होता हो। तो पहले तो हम उठाएंगे, मैं डबल जे के एल ट्राई कर रहा हूँ, डबल जे के ओए, मुझे पता था इतनी आसानी से नहीं करने देंगे। और कितना कलरफुल लग रहा है ना स्क्रीन, दो दो रेसलर दोनों एक से बढ़ के एक। ये ग्रैब कॉम्बो हमारा फिर रिवर्सल में बर्बाद हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हट गए हम लोग, ऑलमोस्ट आ ही गए थे लपेटे में। फिर जे जे के और एल करके हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारा काम है फ्रंट लाइट ग्रैपल अटैक करना, तो हमारा फ्रंट लाइट जो ग्रैपल अटैक है, ठीक है, फ्रंट लाइट ग्रैपल अटैक, ओके, डन होता हुआ। मिक्स होने वाला ये रियल लाइफ, चले भाई पूरा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि गेम और रियल लाइफ अलग है, सेम ही लग रहा है। Trust me, I have a lot of respect. Oh, 619 position for create कर दिया। हाँ, मुझे पता था अभी पूरा नहीं होगा। री मिस्टीरियो खुद भी बोल रहे हैं कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, और हुआ भी वही, पूरा नहीं हुआ यहाँ पे। और दोनों ने पूरा यूज किया है, पूरा पूरा रिंग यूज किया है यहाँ पे। देखो भाई, मेरा फेवरेट इन दोनों में से तो विदाउट अ डाउट री मिस्टीरियो। आप लोगों का फेवरेट कौन है, री मिस्टीरियो या ग्रैंड मेटालिक? मतलब अलग ही लेवल हो गया, मैं जानता हूँ कंपेरिजन नहीं कर सकते। री मिस्टीरियो तो ऑलरेडी लेजेंड है, अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी ग्रैंड मेटालिक का। हमारा काम हैवी कॉम्बोस ट्राई करना, मतलब जिसका एंड के से होता हो, तो ये हमारा होता हुआ कंप्लीट। एक बार आप गेम समझ गए ना, फिर ऑब्जेक्टिव आसान हो जाता है। यूनिफॉर्म अरेना वरेना अनलॉक कराना बहुत आसान है। तो अभी हम लोग तो रिंग में आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इनको नीचे फेंक रहा हूँ और मैं सीधा ऊपर चढ़ूंगा ताकि हमारे पास वक्त रहे जंप करने का। बहुत सही, मेरे ख्याल से फिनिश हो जाना चाहिए। डन, ऑब्जेक्टिव डन होता हुआ। ठीक है, हमें फ्रंट रनिंग ग्रैपल करना है। आई थिंक वी डन इट, यो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। हम चढ़ गए रिंग के ऊपर, वेट कर रहे हैं इनके खड़े होने का। जब ये खड़े होंगे तब हम जब डाइविंग अटैक करेंगे तब जाके हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पूरा होगा, और ये रियल लाइफ से कनेक्ट होने जा रहा है। ये क्या था? अरे बाप रे, ड्रॉप किक तो देखो। बहुत देर तक रिंग पे दोनों लड़ रहे थे। फाइनली इन द एंड इस मूव जो हुआ है वो री मिस्टीरियो पर ही हुआ है। और इस बार ऊपर की तरफ जाते हुए टर्न बकल के ऊपर से मैंने करने का मौका दे दिया, स्टन हो चुका हूं मैं। अरे बाप रे, 1 2 3 नहीं, रिवर्सल चाहिए, रिवर्सल चाहिए। स्टन है इसलिए मौका दिया ही नहीं है हमें रिवर्सल का, स्टन हो चुके हैं वो भाई। 1 2 बच गए। रिवर्सल 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 रिवर्सल, ये होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया। अरे भाई, ये बात भाई, ग्रैब कॉम्बो करना है हमें, तो अब हम डुबाएंगे जे जे के और एल। ये हमारा ग्रैब कॉम्बो पूरा होता, थोड़ा सा डैमेज बाकी, तो चलो चलते हैं रिंग के ऊपर। बहुत ज़्यादा डैमेज दिया नहीं उन्होंने हमको, अब हम इनको डैमेज देते हैं। क्या भाई, डैमेज देने के चक्कर में दोनों की हालत खराब। अरे एल दबाना पड़ेगा शायद। ओ ये तो मूव कर दिया, स्टन कर दिया मुझे। 1 2 बच गया फिर। बहुत अच्छा भाई, तेरे को एक ही बार हिट करना था बस, ऑब्जेक्टिव पूरा। आजा भाई, तुझे फ्रंट रनिंग ग्रैपल भी तो करना है। ये हमारा अनदर ऑब्जेक्टिव पूरा होता हुआ। आप टर्न बकल पे, उनका वेट करेंगे खड़े होने का, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ही इज स्टैंडिंग इन द रिंग। ठीक है, खड़े होंगे
Come on, Metallic, you can not win the match. Oh, 619 position. Wow, beta. अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, मेरे को लग रहा है. ये बात मुझे लगा पहले मिस हो गया. 1 2 3 डन भाई. फ्रॉग स्प्लैश यहां पे करके इस मैच को जीत लिया है री मिस्टेरियो ने. भाई मुझे लगता है ना कि री मिस्टेरियो ने इससे अच्छे मैचेस खेले हुए. और ये देखिए हैंडशेक भी हो रहा है. फेमस हमारा अनलॉक होता हुआ रॉक आ रहे ना, कितने रॉक के रन अनलॉक होंगे यार. और री मिस्टेरियो फिर एक बार नया यूनिफॉर्म और ग्रैंड मेटालिक अनलॉक हुआ है भाई. अभी एक तरफ मेरा ध्यान गया और मुझे पता है क्या मालूम पड़ा है, मैंने तो ऑब्जेक्टिव पूरे ही नहीं किए हैं. बीच में देखो शॉन माइकल का मैच बाकी रह गया, जेबीएल का मैच बाकी रह गया हमारा, और ये लास्ट वाला बाकी रहेगा. तो ठीक है यार, हम लोग शुरू करते हैं. शॉन माइकल वाला मैच पता नहीं कैसे मेरा मिस हो गया यार लास्ट टाइम. और किसी ने कमेंट करके बोला भी नहीं कि भाई आप शॉन माइकल मिस कर गए, जेबीएल मिस कर गए, मेरे भी ध्यान से निकल गया. काफ़ी इमोशनल शुरुआत हुई थी इसकी. एडी गेरेरो उस समय मतलब डेथ की न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये मैच आता हुआ. ठीक है, यहाँ पर शुरुआत होती है. शॉन माइकल को पहली बार मैं WWE 2K22 में देख रहा हूँ और यहाँ पर पहला ही सीन रियल लाइफ से ब्लेंड हो गया भाई. इस मैच के पहले ही न्यूज़ आई थी कि एडी गेरेरो डेथ हो गई एडी गेरेरो की, उसके उसी वक्त इन लोगों ने ये मैच खेला था. तो बहुत ही इमोशनल मैच रहा है. तो अभी के लिए हमें इन पर लाइट ग्रैपल करना है हमें. तो ठीक है, मैं लाइट ग्रैपल करता हूँ. अरे यार ये रिवर्सल का मौका देंगे तब ना. शॉन माइकल लग रहे हैं भाई काफ़ी बॉडी बिल्डर, इतने बॉडी बिल्डर थे नहीं रियल में, काफ़ी कम बॉडी वाले थे. मतलब इतने हैवी नहीं लग रहे थे, इतने हैवी मसल लग रही है, उतने मसल नहीं लग रहे थे, चौड़े लग रहे हैं काफ़ी. फ्रंट लाइट एक बार ट्राई करने की कोशिश, फ्रंट लाइट ग्रैपल, उम्मीद करते हैं फाइनली पूरा हो जाए. यह वेट कर रहे हैं उनके उठने का. आप एक एक नंबर की बटन दबाएंगे तो अपने आप को उठने का इशारा हो जाएगा उनको. यार URL, ठीक है ये बढ़िया था. चलो 1 2 3 करते हैं. ये भी अचीवमेंट है, ये भी एक गोल है हमारा एल और के का. तो ये हम 1 2 3 के लिए जा रहे हैं. एक और ऑब्जेक्टिव पूरा होता हुआ, जीतेंगे नहीं. हाँ मैं तो शौक हो जाता अगर जीत जाते तो. जे और लास्ट में भी जे यार हो जाओ. एक आयरिश विप के लिए फिर रियल लाइफ से कनेक्ट होगा ये पूरा का पूरा गेम. अब देखो शॉन माइकल कितने मतलब कम बॉडी वाले लग रहे हैं. 2 619 अटेम्प्ट किया, दोनों में सफलता नहीं मिली. इंडियन तंग आगे पहुंच गए. देखो लिखा है कि आप शॉन बाइटिंग ऑन दैट 619 फेक आउट, इसलिए उसको उनके ऊपर ही कूद गए. फंडा बहुत क्लियर है, कॉर्नर से फेंकना है, रनिंग करानी है और ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव. कॉर्नर पे हम ले गए थे, उसके बाद में फ्रंट रनिंग कॉर्नर अटैक किया इनके ऊपर. परफॉर्म 2 हैवी कॉम्बोज, ठीक है ये एक साथ दो. अरे पहला ही रिवर्सल, आसान नहीं होने वाला क्या. जे जे के और एल, पहला तो डन होता है. ठीक है अभी हम थोड़ा सा अलग करेंगे. जे जे डबल के ट्राई कर रहे हैं. ओए हाँ कर गया. ये शॉन माइकल के सामने शॉन माइकल की ही स्टाइल, ये अच्छा था गुरु. ट्रिपल जे और एल ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा कॉम्बो हैवी कि नहीं है. डन, ऑलरेडी डन. लास्ट कॉम्बो है जहाँ पे हैवी ट्राई करना है, एंड के से करना है. तो ट्रिपल जे के ट्राई कर रहा हूँ मैं, होप ऐसा कुछ कॉम्बो हो. ये पहले बच तो जा और फिर मुक्काबाजी कर दी इसमें, तो फिर मुक्काबाजी चालू. लो भाई फाइनली हमने फिर एक बार अटेम्प्ट करते हुए इस बार डन. ओए ये गया शॉन माइकल का मोस्ट फेमस मूव. या भाई 1 2 3 कराएगा पक्का. ये हार्ड ब्रेक किट किक, सॉरी 1 2 3 करा दे प्लीज. ओ नो, ओ माय गॉड. बच गए, पूरा गेम पलट जाता अगर लग जाती तो. या रिवर्सल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से करो कि पीछे से करो. अबे हाइट कम है इसीलिए डिफरेंस समझ ही नहीं पा रहे हम दूरी का. गिरना मत शॉन माइकल, ताकि हम उसमें मूव कर सके. ऑब्जेक्टिव कंप्लीट. ठीक है हमें आयरिश व्हिप करना है शॉन माइकल के रोप के ऊपर. ये तो काफ़ी आसान लग रहा है, कुछ मिक्स होगा. हाँ मिक्स हो गया रियल लाइफ के साथ. नीचे झुकेंगे ना 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 ना. ओए नेक बैक ब्रेकर कर रहे थे, बच गए. क्लोजेस्ट टाइम के एंड दी एंड ए बचा. एंड लकली
ओए 619 बना दिया ये तो, और कर भी दिया भाई। 1 2 3 विन द मैच, री मिस्टेरियो कह रहे हैं कि इनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, शॉन माइकल को पहली बार हराया था, लेकिन इनका जो भाई है, इनका जो दोस्त है एडी, कुछ समय पहले ही मतलब उनकी डेथ हो गई थी। फाइनली शॉन माइकल अनलॉक हो गए, रॉ का 2003-04 का रन अनलॉक हो गया। अगला मैच है हमारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए JBL के सामने। स्मैकडाउन का जो अरेना है ना, इसमें वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग अरेना है, जो वो थम्स अप का निशान वो लगा होता है, ऐसा निशान आगे लगा होता है स्मैकडाउन। ठीक है, JBL यहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ, JBL को भी गेम में लाइट कॉम्बोज ट्राई करने कर लेंगे यार, बहुत आसान है। अरे के कहाँ ट्राई कर रहा हूँ मैं, जे ट्राई करना है। पूरी टांग तोड़ दी यार, गिरा दिया मार मार के, तैयार हो जाओ। लाइट कॉम्बो इन द रिंग, 1 2 3। अरे यार क्या दिक्कत है इसको, 1 मैं फिर रिंग पे चला गया तू तो यार, गलत बात है ये, खाओ कुछ अलग मार खाओ। अबे ये क्या कर रहा है, ओए 619 नहीं होगा अभी, डोंट वरी, इतनी जल्दी 619 हो गया तो फिर तो दांव हो गया इनके साथ। 1 2 गिरना मत फिर पीछे, फिर रिवर्सल, ठीक है हम भी रिवर्सल मास्टर हैं यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार DDT डाउन हो गए हम, अरे बिग बूट, अरे भाई सीधा टॉप 10 बगल, ये कहां से सीख क्या है, अरे अटैक, तीनों अटैक सफल, हैट्रिक ऑफ अटैक्स। चल 1 2, अरे यार LL आई आई LL, अरे यार फेंक दिया। हाँ अब करना है, अब करना है, कुछ भी हो जाए यार। 1 2 3 4, ये कहाँ था भाई अभी तक, तू अभी तो बचाना पहले अपने आप को, बच गए हमने, DDT कर दिया यहाँ पे, ये रिवर्सल है क्या, हाँ यार ठीक है अभी भी कर सकते हो, बहुत अच्छा डन, रनिंग एप्रन अटैक, ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, शिफ्ट और ये हमारा ऑब्जेक्टिव डन। ये मैंने पहली बार ट्राई किया WWE 2K20 में। ये भाई ये है अटैक स्प्रिंग बोर्ड, ओके भाई तो अभी हमें क्या करना है, JBL को कॉर्नर्स में ले जाना है और उनके ऊपर हमें एक हैवी अटैक करना है, हैवी ग्रैपल अटैक, जो हमने डन कर दिया है। और ऑब्वियसली बात, एनिमेशंस आ गए हैं तो रियल लाइफ से जुड़े। और यहाँ पे ओए बच कैसे गया ये, फिर बिग बूट मारा, कितने बिग बूट मारेगा, तारीफ कर रहे हैं उस बिग बूट की, कि जब बिग बूट 13 नंबर का पड़ता है ना मुंह पे तो दिन में तारे दिखने लगते हैं, वही हुआ मिस्टेरियो के साथ। फिनिशिंग लोड हो चुकी है उसकी, फिनिशिंग मूव कर दी है यहाँ पे, बहुत मारा है भाई मुझे, बहुत मारा इसने, अरे क्या अच्छा सेंटर में ला रहा था कि 1 2 3 करा सके प्रॉपरली, अरे भाई नहीं हम वो तो उड़ गए। 1 2 क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, फिर फिनिशर आ गई है, फिर मैं बीट हो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सबसे गंदा खेला मैंने ये मैच, पता है अभी तक का JBL के सामने का, मौका दे रिवर्सल का, मौका ही नहीं दे रहा, मिल ही नहीं रहा, मौका ही नहीं आ रहा यार, कितना मारा, थोड़ा सा हमको अलग खेलना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इनको डैमेज देने की जरूरत है, एक तो दे दिया भाई, देते रहे जब तक है, एक बार और, बहुत अच्छा फिर अगर रिंग पे नहीं, ठीक है चल कुछ अलग मूव करते हैं। दो बार हो चुका है ऑब्जेक्टिव, आधा दबा तो ऑब्जेक्टिव भी पूरा करने का, नहीं तो अचीवमेंट्स अनलॉक नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होंगे। ये एक बढ़िया था गुरु, उठाओ इनको, अपनी हेल्थ थोड़ी सी रिकवर करते हैं और इनको थोड़ा डैमेज करते हैं, हो जाना चाहिए डन भाई, बहुत सही। टाइम फॉर सम रनिंग ग्रैपल अटैक, ये भी डन, देखा एक बार में हो गया, ग्रैप कॉम्बो ट्राई करनी है तो ये हमारा ग्रैप कॉम्बो डन, एक बार में ही हो रहा है, सही है, एक फ्रंट ग्रैप, हाँ ओए ठीक है, ये एनिमेशन में जा रहा है, वही मैं सोचा रिवर्सल कैसे कर दिया, मैंने तो सिंपल उसको खाली ग्रैप करना चाहा था, ये चिढ़ा रहा है भाई, कितना गंदा लग रहा है, एक्चुअली हील थे ना, मतलब वो हील कहते हैं क्या कहते हैं, फेस जो खराब, फेस जो खराब रेसलर होते हैं उनको एक बॉडी यूज किया जाता है। ठीक है रिंग में आ गए हम लोग, ट्राई करनी हमें 4 K वाली मूव, हैवी वाली, एक बार हो गया है,
आई थिंक ये दूसरी बार भी काउंट हो तो अच्छा है, नहीं हुआ यार। ठीक है होल्ड उठाओ इनको, फिर से ट्राई करते हैं के वाला अटैक फिर से एक बार। हाँ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, गिराना मत नीचे बस, बाकी सब चलेगा। बहुत सही, हो इतना लंबा है ना, उसके सर के ऊपर से ही चले गए, कूदने में कौन एनर्जी बिगाड़े। ये तीन और अरे यार एक एक की बात थी सिर्फ, ठीक है हो जाएगा लो खत्म। जाते जाते एक अपनी मर्जी से कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये पावर बॉम्ब आ गया यार खत्म। फिर लाल लाल कर दिया, अरे यार ये तो फिनिशिंग करने जा रहा है। उठा ले उठा ले उठा ले भाई, कोई बचा ले, फिनिशिंग मूव आ रही है। अरे भैया ओ खत्म भाई, अब नहीं बचने वाला। वन टू, अरे बच गया, सबसे क्लोज बचा है, उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा जीबीएल को, फिर एक मूव करेगा लेकिन हाँ बच गए। अरे सांसें गई थी, फिर से खेलना पड़ता पूरा मैच। अच्छा पहले खड़े हो जाना, चलना आना तो उठ उठ उठ, खड़े खड़े हो चल यार, अब नाटक ना करना गेम प्लीज। क्या यार इसके लिए नाटक चाहिए, ये हो गया ग्रैब कॉम्बो। गेट हिम टू हैवी कॉम्बोज इन द रिंग, ठीक है हैवी कॉम्बोज मतलब के से एंड करना। जे जे मतलब जेब मैं जो बोलता हूँ वो बटन्स के नाम है। अरे यार ठीक हो गया, मुझे एक समय लगा रिवर्सल है, अच्छा खासा हमने भी कमबैक किया। ट्रिपल जे के ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अब फिनिश करो यार। ठीक है फ्रंट लाइट अटैक करना है, कॉर्नर पे ले जाओ, यहाँ पे स्टन हो चुका है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, जे दबाएंगे और ये गेम फिर से रियल लाइफ के साथ जुड़ेगी। रेफरी डाउन है, बाहर दूसरे रेफरी को बुलाया गया है और किक आउट हो गया फॉर सम चीटिंग, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ने उसका तोड़ दे दिया है और 619 है उसका आंसर। वी वाला रजा डन एंड विनर, चैंपियन बन गए। तो हमारे वर्ल्ड चैंपियन अभी बने हुए हैं रिमिस्टेरियो, इस गेम में मेरा नया टाइटल अनलॉक हुआ है हैवीवेट चैंपियन वाला, जजमेंट डे का रहना और 2 GBL और 1 रिमिस्टेरियो। अभी अभी एक नया मैसेज आया स्क्रीन पे, यू आर इनक्रेडिबल, और मेरे लिए एक नया मैच अनलॉक हुआ है, उसके अंदर ही मिस्टेरियो के बेटे शायद आने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं हम लोग, वो लास्ट मैच जो है वो छिपा हुआ था, ये देखिए रे एंड डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस सेट रॉलिंस एंड मर्फी। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे लेटेस्ट शोकेस का मैच, जिसमें हम डोमिनिक मिस्टेरियो बनने का भी मौका मिला है हमें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भाई खत्म, ये गेम ही खत्म, कुछ चल ही नहीं रहा गेम भाई, कुछ दिक्कत है मुझे लगता है। इसका शायद अपडेट आ सकता है आज, मतलब हो सकता है जब हम लोग अपलोड करें वीडियो तो हो सकता है कि उससे पहले ही आ चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट एपिसोड लास्ट मैच नहीं कर पाएंगे हम अपलोड जब तक इसका कुछ बग सॉल्व नहीं आ जाता। मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं इसमें मैंने खेलता ही नहीं हूँ मैं, और कंट्रोलर में मैं पूरा फिर से सारे अचीवमेंट पूरे करूँ। हराने की बात है तो हरा सकते हैं हम लोग, 1619 ही माननी है, खाली 1 या 2 तो जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये इशू आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, और शुक्रिया आप सभी का भाई जिन्होंने अभी तक यहाँ पर वीडियो देखा। एक बार मैं आपको पीछे ले जाता हूँ स्क्रीन पर, दिखाता हूँ क्या है। तो ये लास्ट मैच जो है ना, ये आपका तब अनलॉक होता है जब आप पीछे सारे मैचों के ऑब्जेक्टिव पूरे कर लेते हो। तो अगर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है मतलब आप पीछे आपका कुछ ना कुछ बाकी रह गया, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। और इस वीडियो को यहीं रोकते हैं हम लोग। अब अगला एपिसोड आप क्या देखना चाहते हैं, यूनिवर्स मोड देखना चाहते हैं या फिर माई राइज देखना चाहते हैं जिसमें हमारा प्लेयर खेलेगा। यूनिवर्स में ऐसा होगा कि आप कोई भी एक रेसलर के साथ उसकी जर्नी WWE में इंजॉय कर सकते हैं। माई राइज में शुरू से लेके एंड तक का करियर मोड है, तो कमेंट करके जरूर बताना आप आगे क्या देखना चाहते हैं। ये मैच, ये हमारा शोकेस का हिस्सा पूरा होता हुआ, लाइक जरूर कर देना भाई वीडियो पे, यहाँ तक देख रहे हैं आप तो उसके लिए शुक्रिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रीम में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे।